हेलो फ्रेंड्स, मेरा नाम है सिद्धार्थ कश्यप और आपके चैनल माय लाइक वीडियोस में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। जैसा कि आप सभी जानते हैं, आईटीआई ट्रेड कारपेंटर के रिलेटिव वीडियो है जिसमें हम डेली क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो चलिए शुरू करते हैं। हाँ तो दोस्तों, जैसा कि आप देख सकते हैं, हमारे एक्सरसाइज नंबर 1.2 का क्वेश्चन नंबर 4 आज के इस वीडियो में हम सॉल्व करेंगे। तो क्वेश्चन नंबर 4 है कि नेम द प्लेन यूज फॉर प्रिपेयरिंग द रफ एंड ग्लूइंग सरफेस। अब इस क्वेश्चन को हिंदी में मैं बताता हूँ कि ये बोल रहा है कि कारपेंटर के अंदर ऐसा कौन सा रंधा है जो रफ और ग्लूइंग सरफेस को, सतह को साफ करता है। ठीक है, रफ और ग्लूइंग। तो रफ सरफेस तो यानी तो उबड़ खाबड़ सरफेस, और अब ये ग्लूइंग सरफेस क्या होती है, अब मैं आपको बताता हूँ कि ये ग्लूइंग सरफेस क्या होती है। हाँ तो दोस्तों, अब देखो मैं आपको समझाता हूँ कि ग्लूइंग सरफेस क्या होती है। मान लेते हैं हमारे पास ये एक लकड़ी है, ठीक है, और एक ये लकड़ी है, और अब हमको क्या करना है कि इन दोनों लकड़ी को चिपकाना है। ठीक है, तो हमने इस तरफ एक इस सतह पे एक ग्लू लगाएंगे यहाँ पे, और इस सतह पे भी ग्लू लगा दिया। ठीक है, अब हम क्या करेंगे, इस लकड़ी को यूं कस के चिपका देंगे और इसके ऊपर क्लैंप लगा देंगे, जी क्लैंप या सी क्लैंप जो भी होता है, जो सिकंजा होता है जो इसको पकड़ के रखता है, या हम इसको वाइस के अंदर दबा देंगे। जब हम इसको पास से जाके देखेंगे तो क्या दिखेगा हमें कि इसके अंदर जो एक्स्ट्रा जो ग्लू होता है ना, वो सतह के ऊपर आ जाएगा थोड़ा सा निकल के। ठीक है, सतह, क्योंकि हम इसको दबा देंगे तो जो अंदर एक्स्ट्रा जो ग्लू होगा ना, वो निकल के सतह के बाहर आ जाएगा। ठीक है, और पर सतह क्या थोड़ी एकदम एक्यूरेट, अब हमें सतह को चिकना करना है, एकदम समतल करना है बराबर। अब हम इसके ऊपर कौन सा रंधा फेरेंगे, तो वो रंधा है टूथिंग प्लेन। ठीक है, समझ गए दोस्तों। तो टूथिंग प्लेन इस चीज के लिए स्पेशली बना होता है कि दो अगर लकड़ी के टुकड़े अगर हमने चिपकाए आपस में और उसको वाइस के अंदर दबा के रखा हुआ है, अब उसकी सतह में के बीच में से जैसे गोंद आ गया, गोंद मतलब बाहर आता है, तो ग्लूइंग सरफेस हो जाती है, ग्लूइंग सरफेस होता है। ठीक है, अब उस ग्लूइंग सरफेस के ऊपर कौन सा रंधा चलेगा, टूथिंग प्लेन चलेगा। तो अब मैं आपको टूथिंग प्लेन का डायग्राम बताता हूँ। हाँ तो ये जो डायग्राम आपके सामने है, ये है टूथिंग प्लेन। ठीक है, अब मैं इसकी और भी डिटेल आपको बता देता हूँ, इसमें क्या लिखा है। द पर्पस ऑफ दिस इज अ प्रिपेयर टू रफ एंड ग्लूइंग सरफेस। जैसा कि आंसर में लिख रहा, क्वेश्चन में दे रखा है कि ग्लूइंग सरफेस और रफ सरफेस को साफ करने के लिए कौन सा प्लेन काम में आता है, तो सीधा सा आंसर है टूथिंग प्लेन। और इसके और भी डिटेल बता देता हूँ। द कटिंग एंगल इज सेट एट 70 to 80 डिग्री, यानी कि इसका जो कटिंग एंगल होता है ये 70 से 80 डिग्री का होता है। ठीक है, और द कटिंग एज इज अ सीरीज ऑफ टीथ फॉर्म लाइक वी। ओके, और द प्लेन इज यूज फॉर डायगोनली अक्रॉस द वर्क ऑफ बोथ डायरेक्शन एंड अलोंग द ग्रेन। तो दोस्तों, इस में लिखा है इस पॉइंट के अंदर, तो यही पॉइंट काम का है कि इसका जो कटिंग एंगल होता है वह 70 to 80 डिग्री होता है। पीछे देखते हैं और क्या लिखा है। पीछे लिखा हुआ है कि दिस इज स्लाइटली सिमिलर टू द स्मूथिंग प्लेन। हाँ, ये भी अच्छी चीज़ है कि ये स्मूथिंग जो प्लेन होता है, स्मूथिंग प्लेन, ये उसके जैसा जैसा होता है, सिमिलर होता है। ठीक है, इट कटिंग एंगल इज 45 to 50। ठीक है, और इट प्रिवेंट द टीयरिंग द वुड एंड गिव्स अ गुड फिनिश। दिस इज ऑल्सो कॉल्ड रिफॉर्मिंग फिनिशिंग प्लेन। ये जो मैंने आपको चीज़ बताई, ये फिनिशिंग प्लेन की है। ठीक है, ये अलग रंधा है, फिनिशिंग प्लेन। और हमें जो मेन बात करनी थी वो है टूथिंग प्लेन की। तो टूथिंग प्लेन के बारे में मैंने आपको अच्छे से बता दिया, और इसका जो क्वेश्चन था एनसीवीटी बुक के अंदर, वो भी मैंने आपको बता दिया कि क्वेश्चन क्या था। क्वेश्चन यहाँ पे ये लिखा हुआ है कि रफ और ग्लूइंग सरफेस को साफ करने के लिए कौन सा रंधा काम आता है, तो टूथिंग प्लेन इसका आंसर है। सो अगर आपको इस क्वेश्चन के अंदर कोई भी डाउट है तो नीचे कमेंट बॉक्स में लिख के आप मेरे से पूछ सकते हैं। अगर वीडियो आपको पसंद आए तो प्लीज़ इसे लाइक करना ना भूलिए, और ये वीडियो आप अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर सकते हैं। एंड थैंक टू वॉचिंग योर चैनल माई लाइक वीडियोज़। बाय बाय।